परमेश्वर कहता जब तू अपनी समझ का सहारा ना ले, अलर्ट हो, तो कहता तू मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह पाएगा। मनुष्य भी तुझ पे अनुग्रह करेंगे, परमेश्वर भी तुझ पे अनुग्रह करेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने आज भी अपना जवाब देने के लिए मनुष्यों को ठहराया, लेकिन श्रापी तो वो मनुष्य जो मनुष्य पे भरोसा करता है। वो उनके लिए लिखा है, अगर आपके रिश्तेदार नॉन बिलीवर हैं और वो बोलते हैं ए अगर चर्च में गया तो तेरा नाम काट देंगे, तेरा वीजा बंद कर, तेरे स्पॉन्सर नहीं भेजूंगे, उस मनुष्य पे भरोसा मत रखो। पर कुछ डिवाइन ईश्वरीय इंसान हैं, कुछ मैन ऑफ गॉड हैं, कुछ बिलीवर्स हैं जो आपके लिए ठहराए गए हैं और उन पर भरोसा रखने के लिए आपको बोला गया। बाइबल कहती है उन पर विश्वास करो तो तुम सफल होगे। अगर तुम मैन ऑफ गॉड पे फेथ करोगे तुम सफल होगे। मैन ऑफ गॉड पहले सफल है, तुम सफल होगे, तुम प्रॉस्पर होगे। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो लास्ट तक चलना है, सुबह प्रार्थना करना है, दोपहर शाम को करना है और रात को करना है। आप तैयार है इस तरह का जीवन जीने के लिए? मैं आपको एक नॉर्मल क्रिश्चियन लाइफ जीने के लिए नहीं कह रहा हूं, प्रॉपर क्रिश्चियन लाइफ, फुल ऑफ रिजल्ट, ग्लोरी, विजडम, जबरदस्त बुद्धि आप में काम करेगी। वो लोग भूल जाओ, उन लोगों को जिन्होंने आपको नीचा देखना चाहते हैं, आपको मूर्ख समझते थे, आपको सल्यूट ठोकेंगे आपको देख के। मैं आपको सही कह रहा हूं, मैं आपको सच कह रहा हूं, अगर आपने मित्र बना लिया परमेश्वर को, अगर आपने ऐसी दोस्ती कर ली जैसा मैं कह रहा हूं आपको, ऐसी सीरियस दोस्ती अगर प्रभु के साथ हो गई आपकी, हालेलुया, तैयार है ऐसा जीवन जीने के लिए? आप शुरुआत कर सकते हो सुबह आधा घंटा से। मैं नहीं कहता सारा दिन आप प्रार्थना में रहो, 6 घंटे काम ना करो, लेकिन शुरुआत हो सकती है 1 घंटे से। और कोई इतना बिजी नहीं है कि इतना टाइम प्रभु को ना दे सके। अपनी बाइबल के साथ जाना जब प्रार्थना करने जाना, तो जो भी प्रार्थना वचन के जरिए होगी जल्दी उत्तर आएगा। और जब आप वचन के जरिए प्रार्थना करना शुरू कर देंगे, उसने कहा वो थके हुओं को बल देता है, सुनो, और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। अगर आप इस प्रार्थना से प्रार्थना करेंगे आपको थकावट नहीं होगी। वो थके हुओं को बल देता है। कोई थक चुका है अपनी लाइफ से, अपने बिजनेस से, अपनी मैरिड लाइफ में थक चुका है, अक चुका है, परमेश्वर ने कहा वो थके हुओं को और शक्तिहीन को सामर्थ्य नहीं, बहुत सामर्थ्य देता है। आप प्रार्थना करोगे इस वचन से। आप विपत्ति में, उसने कहा धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती पर यहोवा उनको हर एक विपत्ति से छुड़ाता है। उसमें लिखा मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने उद्धार को दिखाऊंगा। आप प्रभु को बोल सकते हो परमेश्वर इस दर्द के साथ दीर्घ आयु किसी काम की नहीं, मुझे दीर्घ आयु भी चाहिए और यह दर्द भी नहीं चाहिए। पर जब आप सीरियस प्रेयर वाले इंसान होंगे और रोज बिना विषय के आप परमेश्वर के सामने भी जाते हैं, विषय लेके भी जाते हैं, लेकिन आपका संबंध परमेश्वर के साथ गूढ़ा हो चुका है, आपकी स्क्रिप्चर से की गई प्रार्थना आपको ऐसा रिजल्ट देगी आप शॉक्ड होंगे 30 डेज के अंदर। आप बाइबल पढ़ते हैं, आप बाइबल जब पढ़ेंगे आपके लिए वचन उसमें मिलेंगे जो आपके दिल को छूने वाले आपके लिए बने होंगे। उसमें आपके पति के लिए वचन है, आपकी पत्नी के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके फाइनेंस के लिए। अगर यहां पे मोटर लगा दी जाए पानी वाली और बिजली ना हो या वोल्टेज थोड़ी हो, पानी निकालेगी नीचे से? वचन तब काम करता है जब परमेश्वर की आत्मा की पूरी वोल्टेज आपकी लाइफ में, आप तब फिर बोलेंगे यहोवा मेरा चरवा है मुझे घटी। और आप जब इस वचन से 3 टाइम प्रार्थना करेंगे, मैं आपको सही चीज बोल रहा हूं जो पवित्र आत्मा ने मुझे बोली, ऐसे जगाड़ बनेंगे सब घटियां पूरी होंगी। मैं आपको सही कह रहा हूं, आपके दुश्मन आपके लाइफ में पैसा बोने के लिए आएंगे। मैं आपको सच कह रहा हूं,
करके देखना। मेरे पास लिस्ट है 70 some points की, और बिना पॉइंट्स, बिना स्क्रिप्चर के बैकअप के मैं प्रार्थना में नहीं जाता हूं। हर टाइम नहीं, कुछ टाइम मैं परमेश्वर के साथ बैठता हूं, क्वाइट टाइम बैठता हूं, आराम से बैठता हूं, सिर्फ गैर भाषा में बैठता हूं। कुछ टाइम मैं सिर्फ पॉइंट्स के साथ बैठता हूं। आप नोट करो पॉइंट, फिर एक नोट करना बात, जितने पॉइंट्स के लिए आपने 6 महीने प्रार्थना की, कितनों का रिजल्ट आया, आप शॉक्ड होंगे। अपना रिजल्ट देख, वो इतना हाईली सक्सेसफुल होगा। हालेलुया। वो ऐसे सिस्टम बनाएगा, वो ऐसे रास्ते खोलेगा, वो ऐसा क्या बोलूं मैं आपको, ऐसा कुछ वो वंडरफुल करेगा, आप हैरान होंगे। आपके आसपास हेल्पर्स आपके लिए आंखें बंद किए रहते हैं, क्योंकि आप अलर्ट नहीं हो, उनकी आंखें बंद हैं, और वो दूसरों के लिए खुली है पर आपके लिए बंद है, क्योंकि आप अलर्ट नहीं हो खुदा के सामने। अगर आप अलर्ट हो तो परमेश्वर भी क्या है, अलर्ट है। जब से मिनिस्ट्री स्टार्ट हुई, उससे पहले से भी, जब से मेरी मसीह लाइफ स्टार्ट हुई, पर्सनल प्रेयर का मेरी लाइफ में पहला स्थान रहा है आज तक। मेरी पर्सनल प्रेयर अकेले में, कुछ लोग परिवार में प्रार्थना करते हैं पर पर्सनल प्रेयर नहीं, और ये सही नहीं। आपकी पर्सनल प्रेयर फर्स्ट पॉइंट होनी चाहिए। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो दरवाजे क्या कर लो, कुंडी क्या कर लो, और फिर प्रार्थना करो गुप्त से, जो तुम्हारा पिता गुप्त में देखेगा पब्लिकली तुम्हें रिवॉर्ड देगा। मेरी पब्लिकली नहीं, मेरी प्राइवेट प्रार्थना है जो आज पब्लिकली मुझे रिवॉर्ड मिला है। आपकी प्राइवेट प्रार्थना कितनी है? प्राइवेट प्रार्थना वो लोग नहीं करते जो लोग परमेश्वर से टूटे हुए हैं, जो लोग सिन में, जो लोग पाप में गलतियां कर रहे हैं, डाउट में, वो लोग प्राइवेट प्रेयर नहीं करते। मेरा यह बिलीव है कि जब आज आप परमेश्वर के साथ अपने संबंध कायम कर लोगे, वो अपने ईश्वरीय पदार्थों को भेजेगा। ये वर्ड परमेश्वर की ओर से है। मैं आज प्रार्थना करता हूं और खुदा ने मुझे बताया डिक्लेयर करने के लिए, अगर ये सच्ची जगह है जहां खुदावंद मौजूद है, और अगर मैं परमेश्वर का सच्चा दास हूं, तो मैं एक डिक्लेरेशन आप पे करना चाहता हूं आज। हर एक अनफ्रूटफुल आदमी जिसने आपका टाइम वेस्ट किया हुआ, आपकी लाइफ से निकले यीशु मसीह के सामर्थी नाम। एवरी अनफ्रूटफुल पर्सन।